बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम अहबाब को नेचुरल हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको जोड़बंद के नाम से एक बहुत ही मशहूर और फौरन फ़ायदा करने वाला नुस्खा बताऊंगा। इस नुस्खे का कमाल ये है कि अगर आपने अपनी टूटी हुई हड्डी को सीधा करवाए बगैर ये नुस्खा खा लिया तो आपकी हड्डी उसी तरह टेढ़ी मेढ़ी फिक्स होकर वेल्ड हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि ये नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले ये तसल्ली कर लें कि आपकी टूटी हुई हड्डी सीधी लग चुकी है, तब ही ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपका फ्रैक्चर 3-4 साल पुराना है लेकिन अब भी दर्द होता है तो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करने की देर है। तो आइए आपको इलाज बताते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए एक पत्थर, सफ़ेद रंग का। ये पत्थर हडबंद के नाम से जाना जाता है। इसके नाम की मुनासबत से इस नुस्खे का नाम भी हडबंद रखा गया है। बहुत सी तिब्बी फार्मा कंपनियां इसको अपने फार्मूलों में इस्तेमाल करती हैं। बलोचिस्तान में ये आम मिलता है, पंसार की दुकान से भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा। इस पत्थर को पीसकर 1 टेबलस्पून पाउडर बना लें। दूसरी चीज़ है करीर के कोयले का पाउडर 1 टेबलस्पून। करीर के कोयले को बनाने का तरीका ये है कि करीर के दरख्त की लकड़ी को जलाया जाता है। जब लकड़ी जलकर कोयला बन जाए तो जलते हुए कोयले को गाय के घी में डालकर बुझाया जाता है। इस तरह करीर का कोयला तैयार किया जाता है। ये तैयार शुदा हालत में आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। तीसरी और आखिरी चीज़ है हल्दी, ये भी हम लेंगे 1 टेबलस्पून। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। चौथाई चम्मच यानी चम्मच का चौथा हिस्सा रात को सोने से पहले दूध के साथ इस्तेमाल करें। सिर्फ 5 दिन में ना सिर्फ आपकी हड्डियों के दर्द ख़त्म हो जाएंगे बल्कि टूटी हुई हड्डियां फ्रैक्चर भी मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। अच्छे रिजल्ट के लिए 2 हफ्ते तक ज़रूर इस्तेमाल करें। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के दौरान लस्सी का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और टिप्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।